हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग रिजल्ट 2020 के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2020 का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में जानेंगे। लाइक किस तरह से आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, उसकी ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2020 का कोई भी नया अपडेट या न्यूज आती है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2020 रिजल्ट चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो अगर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जो google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते हुए वहाँ पे सर्च करना है सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2020 रिजल्ट, और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब गाइस, आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आप सिंपली एक क्लिक से अपना सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग का जो रिजल्ट है उसे चेक कर सकते हैं। उसी के साथ ये वेबसाइट जो सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी अपडेट होती रहती है, तो आपको फुल ओरिजिनल अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी। अब जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट गाइस आपको दिखा दे रहा है, आपको सिंपली उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। अब जैसे आप उसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2020 रिजल्ट डिक्लेयर, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। थोड़ा नीचे लेने पर अब यहाँ पे भी देख सकते हैं रिजल्ट फॉर यूजी कोर्स डिक्लेयर हो चुका है, उसी के साथ जो कैंडिडेट लिस्ट की स्टेप टू के लिए वो भी जो है रिलीज हो चुकी है पीजी कोर्सेज के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे यहाँ पे ब्लू कलर का एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा, यहाँ पे आके रुक जाना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बता दिया है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ भी सेम चीज लिखी हुई कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखा देगी क्लिक कर टू व्यू रिजल्ट, आपको सिंपली क्या इस लिंक पे क्लिक करना होगा। के सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से लिंक ओपन कर लेता हूँ, और जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक न्यू टैब ओपन है जिसका इंटरफेस कुछ इस टैब करेगा। तो क्या इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एंड यहाँ पे रिजल्ट में से थोड़ा जूम आउट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी एमपीएच 2020 स्टेप वन रिजल्ट, AHS डिप्लोमा PG डिप्लोमा फॉलोशिप कोर्स स्टेप वन रिजल्ट, MPT यानी कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी रिजल्ट, या AHS डिग्री कोर्सेज रिजल्ट। तो आप जिस भी कोर्स का रिजल्ट चेक करना था सिंपली उस पर क्लिक कर देने लगे। यहाँ पे मैं MSc और MPH का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा PDF टैब का, जहाँ पे आप लोगों को जो पूरा कंप्लीट जो सिलेबस वो आपको वहाँ पे सॉरी कंप्लीट जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको जो पूरी तरह से बता दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली लिस्ट है जिन्हें स्टेप टू के लिए जो है बुलाया गया है, जो कि हेल्ड होने वाला है टेंटेटिवली मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा 27 अक्टूबर को। सो यहाँ से आप देख सकते हैं एमएससी के लिए अलग अलग जितने भी कोर्स लाइक एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स हो गया, उन कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में बुलाया गया है, एमएससी इन बायोस्टेटिक्स के यहाँ पे नाम दे दिया, तो हर एक कोर्स के हिसाब से यहाँ पे जो है नाम दे दिया गया है। तो उसी तरह से कैसे अगर कोई दूसरे कोर्स का आप जो है रिजल्ट चेक करना चाहते हैं स्टेप वन से कि स्टेप टू में कौन कौन कैंडिडेट्स गए हैं, तो उसका भी आप यहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग रिजल्ट चेक करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से जो स्टेप वन से स्टेप टू में जो भी कैंडिडेट्स गए हैं, जो भी कैंडिडेट्स अलॉट किए गए स्टेप टू के लिए, उनकी लिस्ट यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से रिजल्ट चेक करने में हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।